हेलो दोस्तों, तेल ले लो, तेल 50 रुपए किलो, एक बार ले जाएंगे, बार बार ले जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे तेल दिख रहा है आपको, ले जाइए 50 रुपए किलो तेल। हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे, स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखेंगे तो ही मजा आएगा। और तो देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ, अभी छोटे से कमरे में खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसे जो भी होता है मैं सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने प्यारे से किचन में, और जो कि देख सकते हैं हमारा प्यारा सा किचन है और आप लोगों तो दिख ही रहा है हमारा किचन। और मैं फाइनली आज मैं किचन के काम कर रखी हूँ और पोछा वगैरह भी लगा रखी हूँ सब कुछ। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध उबाल के इधर हम रख रखे हैं चाय के लिए, जो कि और हमारा इधर चावल बन गया है जो कि सब खा भी लिए बच्चे वगैरह, मेरे हस्बैंड भी चले गए। इधर आलू के भुजिया बना रखी हूँ, इधर मैं अरहर की दाल बना रखी हूँ, मतलब सारे काम हमारा हो गया। इधर बर्तन धो रखी हूँ, एक ये बच गया है बस, इधर का तो हो गया। पोछा वगैरह जो होता है सारे मैं लगा के फिनिशिंग कर रखी हूँ इधर। ऑलरेडी किचन का काम तो हो गया है, तो फिलहाल चलते हैं हम अपने कमरे में। और कमरा तो बस इसी गेट के पास ही है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा किचन और ये कमरा दिख भी रहा है यहीं से। तो एक बार चलिए, और कमरे में तो ये होता है थोड़े बोलने में वहाँ पे दिक्कत होती है इसलिए, क्योंकि आवाजें उधर जाती है, तो इसीलिए। तो चलिए पहले कमरे में चलते हैं। ये हमारा कमरा देखिए, देखिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस गेट को बंद करती हूँ, और क्योंकि मेरी आवाज़ उधर की तरफ जाती है ना, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो बहुत आप लोगों को तो पता है मैं सब वीडियो में बताती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से मैं ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ। और अभी बहुत सारे काम है, बच्चे दोनों गए हैं खेलने, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, उनको मैंने भेज दी हूँ सब कुछ करके, और फिलहाल मैं अभी अपने काम में लग चुकी हूँ। तो सोची मैं अपने जो हमारे यूट्यूब वाले फैमिली, प्यारे प्यारे फैमिली जो बन चुके हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी ब्लॉग बना के शूट करके आप लोग तक पहुँचाऊँ। उनका कुछ ऐसा हाल है देख सकते हैं, जो कि मैंने तो अभी पोछा वगैरह लगा रखा सब कुछ, लेकिन बच्चे बच्चे नहा वहाँ के गए हैं बाहर, तो ऐसे है। मेरे कपड़े भी ऐसे रखे हुए, इसको तय करना है। बाकी बिस्तर विस्तर जो होता है मैं सब कर रखी हूँ, देखिए कैसे। और मेरे अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं जो कि मैं अभी धोऊंगी, और उधर बहुत सारे कपड़े रख रखे हैं, और अभी हम बाल्टी लेंगे। इधर सबसे पहले तो अपना पैदान ही डाल देते हैं, यहाँ पे पोछा लगाए थे अभी तो डाले नहीं थे बाहर, तो ये देखिए पैदान डाल दिए। और ये हमारा बाल्टी है, अभी गंदा पानी इसमें है जो कि मेरा बेटा नहा के गया है, और इसको अभी हम फेंक देते हैं। बस हो गया, अब इसको हम लेके चलते हैं बाथरूम की तरफ। अभी हम बाल्टी को लेके चलते हैं उधर। ये हमारा गेट खुल गया, बालकोनी की तरफ आ गई हूँ मैं, गैलरी की तरफ। और इधर हमारा ये बाथरूम छोटा सा। तो ये देखिए दोस्तों, हम एक बाल्टी भर चुके हैं और दूसरा बाल्टी यहाँ रख दी हूँ भरने के लिए। और बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे कपड़े धोने में, छोटा बाथरूम है, लेकिन कोई ना, मैं धो लेती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत दिन से मैं यूज करती हूँ, रहती हूँ, तो मुझे आदत बन चुके हैं, तो कर लेती हूँ। और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, बहुत ज़्यादा ही, जो कि ये कपड़े देख सकते हैं, ये देखिए। ओह माय गॉड, ये देखिए कब तक धोएंगे इसको, पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा मुझे धोने में। तो उधर देख सकते हैं, कोई ना, धो लूँगी अभी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मुझे, अभी कपड़े धोने हैं, नहाना है, उसके बाद है जो बहुत सारे काम है आज करना है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगी, आज पूरा दिन ही कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। और बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जो कि मैं आप लोगों तक सुनाऊँगी वो खुशखबरी। और हम पानी वानी भर दिए हैं उधर, अब कपड़े उपड़े धो लेंगे थोड़े बहुत, उसके बाद है जो पूरा काम फिनिशिंग करके फिर आप लोगों को खुशखबरी जरूर बताऊंगी दूसरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करते करते जो है ना, मैं कपड़े को भिगो के रख देती हूँ सर्फ में फिर, क्योंकि धोना भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मग है नहीं, बाहर है शायद, लेके आते हैं एक बार, ये रहे, लेके चल। हूँ मैं अभी, इसमें पानी डाल देते हैं सर्फ डाल के और भिगो देते हैं फटाफट से। सर्फ डाल के
ये देखिए सर्फ डाल दिए पूरा, इसमें कपड़े डुबो देते हैं। ये देखिए बस हो गया, 2 मिनट इसको लगेगा भी वो उसको होने में, और भी कपड़े बहुत सारे बाहर है जो धोऊंगी। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत। अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ कपड़े धोने, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है तो सबकी डांटे सुननी पड़ती है मुझे, लेट हो जाता है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, फिर कपड़े धो के फिर मिलती हूँ आपसे एक बार। तो दोस्तों फाइनली मैंने कपड़े धो लिए, एक बाल्टी देख सकते हैं पूरा फुल बाल्टी है, और चलते हैं छत की ओर, छत पे मुझे सुखाना है कपड़े, और देख सकते कोई है तो नहीं इधर उधर, तो फिर चलते हैं। गाइस बहुत ज्यादा धूप हो रही है छत पे, बहुत ज्यादा ही धूप हो रही है। अभी हम कपड़े को जल्दी जल्दी सुखा लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं धूप ऐसे है बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रहे, फटाफट से मैं कपड़े सुखा ही रही हूँ, देख सकते हैं आप, और सारे सुखाने हैं कई सारे, और ये सुखाने लग रहे हैं। और आप लोग कपड़े धोने के बाद जो है ना उल्टा करके सुखाइए, क्योंकि रंग उड़ जाते हैं कपड़े में, तो हम उल्टा करके सुखाते हैं ना, तो रंग उड़ना होता है तो बाहर की तरफ से ही उड़ते हैं। देखिए बहुत सारे कपड़े सुखा ली हूँ, थोड़े बहुत और बाकी हैं जो कि अभी हम सुखा रहे हैं। बहुत कपड़े धोई हूँ, अभी सुखा रही हूँ। तो टन टना, देखिए दोस्तों कपड़े हमने सारे कपड़े सुखा दिए हैं हमारे हैं, और भाभी के पूरे छत पे देखिए कैसे सुखा रखे। और एक चीज गाइस और भी कंटिन्यू रही आप लोग, देखिए देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ, देखिए क्या है सो, ये देखिए तेल, कितने सारे बोतल तेल के बोतल है कितने सारे, ये देखिए। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इस तेल का क्या करना है, क्यों तेल इतने सारे हैं, किसके तेल है, मेरे हैं और किसी और के हैं, और किस लिए इतने सारे तेल को हम मंगवा रखे हैं, 7-8-10 किलो तेल है यहाँ पे पड़ा हुआ। और अभी हम सोच रहे हैं दुकान लगाने की, लगाने की आप लोग बोलिए तो, वो बेचते नहीं है कैसे बेचते हैं। हाँ जी तेल ले लो, तेल तेल 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, बढ़िया तेल है, एक बार ले जाओगे बार बार आप ले जाएंगे, बढ़िया तेल है, खा के देखिए बहुत अच्छा लगेगा, नंबर वन तेल है, तो ऐसे मजा आ जाएगा बेचेंगे तो। तो देखिए दोस्तों कितने सारे तेल हैं, बोतल देख सकते हैं लाइन से कितने सारे हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों तेल ले लो, तेल 50 रुपये किलो, एक बार ले जाएंगे बार बार ले जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे तेल दिख रहा है आपको, ले जाइए ले जाइए, 50 रुपये किलो तेल। तो दोस्तों ये जो तेल दिख रहा है आपको, इतने सारे 7-8 किलो तेल है, ये जो हमारे नीचे वाले जो भाभी है ना छोटी वाले, उनकी दुकानें हैं, वो दुकान करते हैं, तो वो तेल जो है ना, ये तेल जम गया है, ये नंबर वन का तेल है जो कि जम गया है, तो इसको धूप में ला के वो सुखा दिए हैं, जो कि धूप में सुखा देंगे तो खुल गया, देख सकते हैं जो जमा हुआ था तो हट गया है ये, तो इसको जो है ना अब ले जाके और वहाँ पे बेच देंगे इसको। परसों भी लाए थे 2-3 किलो का डब्बा ऐसे था, और इसको भी ला के रख रखे हैं ये लोग, तो अब ठीक हो गया है, कल से सूखने लग रहे हैं छत पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे हम दुकान करके बैठे हुए हैं यहाँ पे और बेच रहे हैं तेल। फ्रेंड्स आप लोगों को चाहिए तो ले जाइए जल्दी से आके, हम आप लोगों को प्यार से 50 रुपये किलो दे देंगे, ले जाइए। तो सॉरी दोस्तों ये वीडियो कैसे लगेगी आपको, हमारे भाभी की तेल है जो कि अभी ये रख रखे हैं, ये देख सकते हैं हम भी इधर रख देते हैं बस। और दोस्तों आप लोगों को पता है अभी मैं छत पे ही बैठी हुई हूँ, इधर देख सकते हैं दीवार दिख रहा है, पीछे इधर कपड़े हैं, इधर कपड़े मैं अभी सुखा के आई हूँ, और इधर पास में तेल भी रखा हुआ है, और मैं जमीन पे बैठी हूँ ये देखिए। और वीडियो को सोच रहे हैं कि आइए यहीं पे एंड कर देते हैं, जितना भी बड़ा छोटा बन गया होगा, जो भी बन गया है उसका रिस्पॉन्स आप लोग दीजिएगा, जो कैसा वीडियो बना कैसे नहीं। तो फिर दोस्तों उम्मीद करती हूँ इससे बढ़िया ब्लॉग लाऊंगी बना के, और आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह, क्योंकि आप लोग सपोर्ट और प्यार और साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं सबसे चोरी छिपे ब्लॉग बनाती हूँ, किसी को पता नहीं है, मेरे दोनों बच्चे जानते हैं, और इतना मेहनत करती हूँ, बच्चे भी रोज मुझे डांटते रहते हैं, मम्मी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इतने परेशान होते रहते हो सारा दिन, क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ हो जाएगा क्या, तो मैं बोलती हूँ बेटा संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करोगे तो ही जीवन में अच्छा कुछ मिलेगा, बाकी नहीं ऐसा कुछ है। तो वीडियो कैसी लगेगी आप लोग तो प्लीज हमें कमेंट और करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल उसको वीडियो को, और लाइक कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, काम छोड़ छाड़ के फिर बीच बीच में ब्लॉग भी शूट करना पड़ता है, क्योंकि अकेले बनाती हूँ, किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, बहुत मुश्किल होती है, कोई देख ना ले इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग खुश रहे और हमारे
हमारा सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।